इसका मतलब यह है कि स्पॉट पे कोई पर्स या सेलफोन नहीं मिला। मतलब आखिरी बार मिस लता ऑफिस से निकली थी। इसका मतलब यह है कि कोई भी सुराग मिस लता के ऑफिस वालों से ही मिल सकता है। अगर आप लोगों के पास मिस लता की किसी सहेली या उनके बॉस का नंबर हो तो प्लीज हमें नोट करवा दीजिएगा। ओके, एक्सक्यूज मी, कम ऑन। किस तरह का समाज है? किस तरह का समाज है? एक लड़की घर से बाहर कदम नहीं रख सकती कभी, तो पैसे कमा के अपने परिवार की मदद समाज के अपने आप को संभालो। तुम टूट जाओगी तो तुम्हारे बाहर बाबू जी को कौन संभालेगा? कुछ नहीं होगा लता को, अब कुछ नहीं होगा लता को। सुनो तुमने क्या क्या बिगाड़ा था हमारी बेटी ने किसी का? तो हम उसकी नई जिंदगी के सपने देख रहे थे। और कहा ये भैया आप अभी तक घर नहीं आए। आपको याद है ना आज रात की हमारी फ्लाइट है बॉम्बे के लिए? हाँ मैं जानता हूँ कोयल, लेकिन करण के घर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है तो मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्या हुआ? वो आबा जी की बहन बहुत इंजर्ड है और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रही है, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई आई थिंक सो। हाँ भैया आप वहीं रुक जाइए, करण की हेल्प के लिए मैं फोन रखती हूँ। अब तो सुबह ही पता चलेगा सदमा दिया किसने है। हाँ मैम, थोड़ी देर में आने की कोशिश करते हैं। माँ से बात हुई, भावनी ठीक है, सो रही है, तुम चिंता मत करना। जब पेशेंट को होश आ गया है। एक्सक्यूज मी, रुकिए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। हमें पहले उनका स्टेटमेंट लेना होगा, उसके बाद ही कोई उनसे मिल सकता है। ऐसे कैसे? हम आए उसकी, उसे जरूरत है हमारी, हम तो अंदर जाएंगे। नहीं, आप यहाँ छोड़िए, प्लीज प्लीज, आप रुकिए यहाँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पुलिस केस है, स्टेटमेंट लेना बेहद जरूरी है। हाँ। आप प्लीज जरा इन्हें समझाइए। जी जी कुछ बताया उन्होंने? लता जी मैं डॉक्टर दयाल। देखिए जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है, इंस्पेक्टर साहब उसकी जांच के लिए आए, तो प्लीज बता दीजिए उनको। हाँ तो मिस लता, कल रात कौन था आपके साथ, किसने किया ये सब, आप उसका नाम बताइए ताकि हम उसे ढूंढ सकें और उसे सजा दिला सकें। लता जी देखिए आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं, प्लीज बेखौफ होके बोलिए। हा
इंस्पेक्टर साहब अभी यह इस हाल में नहीं है कि कुछ आपको बयान दे सकें। मैं चाहूंगा कि ये पूरी तरह से जब होश में आ जाए तो बयान दें। ओके। इंस्पेक्टर साहब हमारी बेटी ने कुछ बताया। कहा ना कुछ हुआ नहीं उसके साथ, यही कहा ना उसने, यही कहा ना, बताइए बताइए, यही कहा ना? जी नहीं, उन्होंने फिलहाल कुछ भी नहीं कहा क्योंकि इस समय गहरे सदमे में है, उन्हें होश नहीं है। एनीवे आप लोग उनसे मिल सकते हैं। जाइए, आप जाइए। वादा करते हैं आबा, इस बच्चे के सर की कसम खा के वादा करते हैं, इसे हम इंसाफ जरूर दिलाएंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। Oh, my God.
हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है, पूरा पूरा परिवार है। लता बेटा डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। हाँ तुम क्यों डर रही हो, तुमने तो कोई गलती नहीं की। हिम्मत से काम लो बेटा, हमने तुम्हें हिम्मत से जीना सिखाया ना, इस तरह से तू हिम्मत नहीं हार सकती। तुम्हें याद है तुम्हारे पिताजी हमेशा कहते थे कि अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से बहुत बड़ा गुनहगार होता है। बोलो बेटा, बेटा बोलो, हमारे साथ बात करो लता। लता कुछ बोलो, लता लता कुछ बोलो, हमारे साथ कुछ बताओ हमें। लता किसने किया ये सब तुम्हारे साथ, हमें बताओ लता, एक बार हमें बताओ लता। चुप रहो तुम, ये वक्त भावनाओं में बहन का नहीं है, उसे हमें हिम्मत देनी है। आज हम एक वादा करते हैं आपा, इस बच्ची के सर की कसम खा के वादा करते हैं, इसे हम इंसाफ जरूर दिलाएंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जिसने भी इसके साथ ये हरकत की है ना, उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये माँ का वादा है। इंसाफ दिलाएंगे कि आगे कोई भी लड़का किसी लड़की के साथ ये हरकत करेगा तो पहले एक बार जरूर सोचेगा। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है आपा। हम दीदी को इंसाफ दिलाएंगे, दीदी को इंसाफ दिलाएंगे, दीदी को इंसाफ दिलाएंगे। मेरी माँ का जन्मदिन था तो मैं उनके लिए गिफ्ट खरीदने एक ज्वेलरी शॉप में गया, वहीं पे लता जी मुझे मिल गई। उन्होंने ज्वेलरी खरीदने में मेरी हेल्प भी की। जब मैंने उनसे पूछा कि मैं उन्हें कहीं छोड़ दूँ तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो उनकी बहन के जेठ के साथ आई है और उनके साथ ही उन्हें वापस जाना है। ओके। इस प्रोजेक्ट की टीम लीडर होगी मिस लता। कंपनी में फ्रेशर होने के बावजूद लास्ट मंथ उन्होंने सबसे बेटर परफॉर्मेंस दी, लेकिन शायद कुछ दिनों के लिए वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए मिस्टर मुखर्जी। इंस्पेक्टर साहब आप यहां क्या बात है? कल रात किसी ने मिस लता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और शायद जान से मारने की भी कोशिश की। फिलहाल वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसी के सिलसिले में हम पूछताछ करने के लिए यहां पर आए हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मिस लता हमारी कंपनी की एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एम्प्लॉई और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी इंसान भी। आई मीन कोई उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सर दोषी को पकड़वाने के लिए मैं और मेरा स्टाफ आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे, आप अपना इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आप और बाकी के स्टाफ को भी बोल दो कि पुलिस को पूरा पूरा कोऑपरेट करें। थैंक यू मिस्टर मुखर्जी। कांस्टेबल इन सब का स्टेटमेंट ले लो। मिस्टर मुखर्जी क्या आप बता सकते हैं कि आखिरी बार मिस लता से आपकी बात कब हुई थी? कल मेरी माँ का जन्मदिन था तो मैं उनके लिए गिफ्ट खरीदने एक ज्वेलरी शॉप में गया था, वहीं पे लता जी मुझे मिल गई। जब मैंने उनसे पूछा कि मैं उन्हें कहीं छोड़ दूँ तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो उनकी बहन के जेठ के साथ आई है और उनके साथ ही उन्हें वापस जाना है। ओके थैंक यू मिस्टर मुखर्जी। पापा
लता ने कुछ कहा? नहीं, वो दीदी बहुत डरी हुई है, कुछ बताया नहीं। कोई बात नहीं आपा, कोई बात नहीं, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि इस बारे में उनसे कोई बात ना करे। हा? अरे मगर हम करें ना करें, पुलिस तो पूछेगी ना, और फिर दुनिया चुप बैठने वाली नहीं है। अगर एक बार ये बात बाहर आ गई ना, तो जंगल की आग की तरह फैल जाएगी, फिर हम सबकी बदनामी होगी, सो अलग। कोई बात नहीं फैलेगी मामी जी, अगर हम और आप चुप रहे तो कोई बात नहीं फैलेगी। अरे तो मैं कौन सा ढिंढोरा पीटने वाली हूँ? देखो प्रकाश, मुझे तुम सब बच्चों की चिंता है, इसलिए कह रही हूँ। लता के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर अब उसका भुगतान पूरे परिवार को करना पड़ेगा। हम सबको लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। वाह मामी जी, कमाल करती हैं आप। हम ये सोचकर हैरान है कि इस वक्त भी आपको दीदी की चिंता नहीं बल्कि दुनिया की चिंता हो रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे दुनिया को तो हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए बात करने के लिए। ये वक्त समाज के बारे में सोचने का नहीं है, लता को संभालने का है। और हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम उन्हें एहसास न दिलाए कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। हाँ बिटिया सही कह रही, लता को एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। हमारी एक बात आप सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, अगर किसी ने लता को कुछ ऐसी बात कही जिससे उसे तकलीफ पहुंचे, तो हम ये भूल जाएंगे कि हमारा किसी के साथ कोई रिश्ता भी है। मगर हम दुश्मन थोड़ी ना है उसके, अखबार वालों को कौन रोकेगा? करण तुम मीडिया की चिंता मत करना, उन्हें मैं संभालूंगा। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि ये बात लोगों तक नहीं पहुंचेगी। पता नहीं किसके भले के लिए मीडिया से बचना चाह रहे हैं ये लोग। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? राज जी का करण और आभा से इतना बड़ा झगड़ा हुआ, फिर भी लता राज जी को ही मिली। आप कहना क्या चाहती है मामी जी? यही कि ये कुछ ज्यादा इत्तफाक नहीं है? इत्तफाक था और बहुत बुरा इत्तफाक था मामी जी, लेकिन इस सब की सफाई देने की मुझे जरूरत नहीं। अगर मुझे किसी के साथ गलत करना होता तो मैं इस तरह करता कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। और अगर लता जी के साथ मुझे कुछ बुरा करना होता तो मैं उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले आता मामी जी, क्योंकि कुछ लोगों की तरह गलती कर कर भागना मेरी फितरत नहीं। राजीव माफ कीजिए, ये शीतल ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपने हमारी आभा के परिवार पर बहुत बड़ा एहसान किया, इतना मन मुटाव होने के बावजूद आप लता को अस्पताल लेकर आए, हम हमेशा आपके एहसान मंद रहेंगे। इट्स ओके बाबा जी। सुनो शीतल, भगवान के लिए ऐसे समय में तो अपनी काली जुबान बंद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई ऐसा कदम उठाना पड़े जो ना तुम्हें अच्छा लगे ना मुझे। इसके लिए हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, अपनी जुबान बंद रखो। पेशेंट अब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने उन्हें दवाई देकर सुला दिया है। आप लोग रात भर नहीं सोए, आप घर जाइए, मैं और प्रकाश हैं यहाँ पर। नहीं राघव भैया, हम कहीं नहीं जाएंगे। इस वक्त लता को सबसे ज्यादा जरूरत हमारी है,
हम भी यहीं रहेंगे मामा। आप गुड़िया बहुत देर से अकेली है, उसके लिए चलो बस हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। नहीं भाभी, लता दीदी को आभा। चंद्रप्रभा आपको याद है ना, जब जब हमारी लता छोटी थी कभी नाराज हो जाती थी या वो हमसे रूठ जाती थी तो उसे मनाने के लिए आप उसका उसका पसंदीदा सूजी का हलवा बनाती थी, याद है ना आपको? तो आज नहीं बनाएंगी? बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। हम उसके लिए अभी अभी हलवा बनाकर लाते हैं। आप इस वर्ण में चलिए ना, हमारे साथ वहीं से बनाकर हम लोग सब वापस आ जाएंगे। आइए ना। मैं और लता रोज साथ ही ऑफिस से निकलते हैं, लेकिन कल उसे अपनी बहन के यहाँ जाना था, उसकी बहन की बेटी के नामकरण फंक्शन में। उसने कहा उसकी बहन की जेठजी को उससे कुछ काम है, उनके साथ ही जाएगी। मैं वहाँ से चली गई, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई उससे। थैंक यू वेरी मच। भाभी, मैंने नामकरण फंक्शन का हिसाब कर दिया है, एक्स्ट्रा 6,000 होते हैं जो आपको हमें देने हैं, ठीक है? तुम इतनी जल्दी क्यों हिसाब करने की? सब इतने परेशान हालत में है और तुम ये लेके बैठी हो, बंद करो इसे। ये अच्छा है, चुपचाप करते रहो तो सबको अच्छा लगता है, कुछ कह दिया तो बुरा लगता है। प्रियंका, इन बातों के लिए ये वक्त सही नहीं। बेटा, लता कैसी है? माँ, क्या हुआ? माँ, लता के साथ किसी ने जबरदस्ती की है। क्या? अभी होश नहीं आया, सदमे में है, बस हम लोग जाएंगे थोड़ी। सिमर, आप ठीक है? ये क्या हुआ आपको? और आप कहाँ थे? मैं कल किसी काम से गया था, तो मैं बताया था ना, उसके बाद बहुत अजीब चीज हुई शैली, मुझे याद नहीं मैं घर वापस कैसे आया। हमें मालूम है मिस्टर विमल, आप कहाँ थे और किसके साथ थे? क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर करण, कि कल आखिरी बार मिस लता को इन्हीं के साथ देखा गया था। हाँ,